बंगला में बोलेंगे गुरवे गौरव चंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। शांति के घर बैठो राम राम हरे सवाल जोर कर बोलो हरे ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम है बलदेव। अभी माधव महाराज भी बोल रहे थे श्री बलदेव कहते पांच स्थान पर बलदेव स्थापित की गई लेकिन विशेष करके कहते हैं विशेष करके चार देव है। कहते श्री वृंदावन में गोविंद देव हम जो गिरधारी मठ में रुके हुए वहां पर श्री हरिदेव और मथुरा ने केशव देव और श्री ताऊ जी ने श्री ये बलदेव। कहते ये बलदेव का तात्पर्य क्या होता है बोले बल मतलब होता है शक्ति देव मतलब जो समस्त शक्ति को प्रदान करने वाले इसलिए विशेष करके ये कौन सा शक्ति हमें प्रदान करती है कहते ये भक्ति की शक्ति हमें प्रदान करते हैं। जब तक श्री बलदेव प्रभु की कृपा नहीं होना कहते भक्ति जगत में हमारी कोई स्थान नहीं इसलिए श्री लोचन दास ठाकुर क्या कहते हैं बोले आर कवे जब तक ये बलदेव प्रभु का कृपा नहीं होना जब आर कवे निताई चांदे करुणा हरिवे संसार वासना मोर कवे तुषारे। जब बलदेव प्रभु का कृपा होना तभी हृदय से जो विषय वासना तभी दूर हो सकता है और जब तक हृदय से विषय वासना नहीं जाती है तब तक हमारा हृदय कृष्ण भक्ति प्रकट नहीं हो सकते हैं। इसलिए श्री बलदेव प्रभु ने सप्तम गर्भ में श्री रोहिणी की गर्भ में ये सबसे पहले श्री रोहिणी की गर्भ में आई जैसे कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि जैसे मैं वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाता जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर उसी तरह जो रोहिणी नंदन है वो भी वृंदावन छोड़ कर कहीं भी नहीं जाते बल्कि जो मथुरा जो द्वारका गए वो वसुदेव नंदन गए वो नंद श्री जो रोहिणी नंदन बलदेव प्रभु वृंदावन छोड़ कर कभी जाते नहीं। जैसे वृंदावन में कृष्ण का बजसुर उनकी बजसुरी अस्त्र है बलदेव प्रभु भी ये श्रृंगार को श्री बलदेव प्रभु धारण करते हैं। इसलिए श्री बलदेव प्रभु ये बलदेव प्रभु इसलिए श्री लक्ष्मणदास ठाकुर के भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं बोले दयाल नीताई जय श्री बलदेव प्रभु का नाम को लेकर जो नाच उठे बोले क्यों बोले ऐसे क्या दयालु देखे हो ऐसे कोई कृपालु को क्या देखे हो जो मार मार करके जो प्रेम को प्रदान करते हैं। इसलिए
नित्यानंद प्रभु बोले ना, मेरे थी कल सिर काना ताई बोली की प्रेम दीवना। भले ही उनका सार को फोड़ दिए बलदेव प्रभु को, लेकिन ये बलदेव प्रभु इतने करुणामय, इतने कृपामय बलदेव प्रभु, भले ही तुम मेरे सर को फोड़ दिया, लेकिन एक बार मेरे प्रभु श्री गौर हरि का तो नाम एक बार ले लो। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि। इसलिए श्री बलदेव प्रभु के बगैर, इसलिए इनका कहते सात चीत आनंद, कहते जो संधिनी शक्ति की अधिष्ठाते देवता कौन है, कहते ये श्री बलदेव प्रभु। कहते इनकी सत्ताओं को छोड़कर के जगत में कुछ भी सत्ता नहीं। इसलिए जब कृष्ण भी आए ना, सबसे पहले श्री बलदेव प्रभु आए। क्यों? बोले कृष्ण को धारण करेगा तो कौन कृष्ण को धारण कर सकता है? श्री बलदेव प्रभु ही कृष्ण को धारण कर सकते हैं, और कोई इनको धारण नहीं कर सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण प्रेम उन्माद होकर के जब कहीं गिरते थे ना, उनको कौन कोल में धारण करता था, उनको गोद में कौन धारण करता था? श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु ही उनको धारण कर पाते थे। इसलिए इनकी बगैर कोई सत्ता नहीं। इसलिए ये पांच रस और 10 शरीर से ये कृष्ण की सेवा करते हैं। कहते शांत दास्य बात्सल्य सख्य और मधुर रस में, सख्य रस में कृष्ण की सखा बन करके दो पाठी बन करके आपस में खेलते थे। बात्सल्य रस में कृष्ण से बड़े थे, इसलिए उन्हें क्या करते थे, कृष्ण जब शयन करते थे ना, अपना गोद में कृष्ण का सर रख करके कृष्ण शयन करते थे, कृष्ण का हवा करते थे। इसलिए उन्होंने कृष्ण सेवा के लिए फिर श्रृंगार रस में फिर ये अनंग मंजरी बन करके आए, और अनंग मंजरी बन करके श्री बलदेव प्रभु से उन्होंने कृष्ण की उन्होंने सेवा की। इसलिए पहला अवतार में रामावतार में यही लक्ष्मण बन करके आए, लेकिन ऐसे कुछ उनको काम करना पड़ा जो सेवक धर्म से विरुद्ध धर्म। जैसे सीता जी के लिए जब लंका से ला रहे थे, बोले सीता जी के लिए अग्नि सजाओ, मैं सीता को परीक्षा करना चाहता हूँ। अब रामायण देखे होंगे, लेकिन श्री नित्यानंद श्री लक्ष्मण इतने बिगड़ गए प्रभु राम के ऊपर में, बोले मैं आपका विरोध कर सकता हूँ, विरोध में जा सकता हूँ, सीता मेरी माँ है। कहा रावण उठा करके ले गया, और जो ऐसे स्थिति में फिर उनको अग्नि परीक्षा करना पड़ेगा, इतने बिगड़ गए। फिर भगवान ने राम ने समझाए, बोले मैं असली अपनी सीता को लेना चाहता हूँ, नकली सीता है, लेकिन ये बात तुमको, ये रहस्य तुम्हें पता नहीं। इसलिए आप देखे होंगे राम की सेवा के लिए जिस समय राम को वनवास दे रहे थे, उसी समय लक्ष्मण उन्होंने अपना पिता किसको, दशरथ महाराज को भी जो खारी खोटी सुनाती है, बोले अपना स्त्री के प्रेम में पागल होकर भगवान राम को वनवास भेज रहे हैं, हम ये चीज को कभी सहन नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी कृष्ण सेवा के लिए कोई भी इधर उधर होना प्रभु की सेवा के लिए बिगड़ जाते थे। इसलिए लक्ष्मण को देख करके भगवान राम फिर अंतिम समय में सीता जी को उन्होंने जो त्याग दिया, ये लक्ष्मण को देख करके त्याग दी, इतने दुखी दुखी हो गए, बोले मैं छोटे भैया बन करके आया, इसलिए इतना दंड देना, इतना दंड, और मैं छोटा बन करके नहीं आऊंगा, मैं अभी बड़ा बन करके आऊंगा। इसलिए जब फिर कृष्ण अवतार में उन्होंने बलदेव प्रभु बन करके आए, महाप्रभु का अवतार में श्री नित्यानंद प्रभु बन करके आए, बोले नहीं और छोटा नहीं बनता, बड़े बन करके आऊंगा। अभी प्रश्न है, अभी छोटा बनकर सेवा कर आदेश ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि ये कोई सेवक धर्म थोड़ी है। यानी हम बड़े बनकर के आएंगे, कृष्ण का शासन करेंगे, कृष्ण के बड़े बनेंगे तो कृष्ण मेरे आदेश को पालन करेंगे, ये कोई भक्ति थोड़ी हुआ है, ये तो भक्ति हुआ है। बोले नहीं, यही भक्ति है। इसलिए कहते सेवक तीन तरह के होते हैं, कहते एक तो उत्तम सेवक, एक मध्यम और एक अधम। कहते ये उत्तम सेवक कौन है, बोले उत्तम सेवक हुए हैं प्रभु की इच्छाओं को जान करके, प्रभु जी की आदेश देने से पहले जो सेवा कर लेता है ना, कहते ये उत्तम सेवक है। कहते ये मध्यम सेवक कौन है, बोले आदेश देने पर जो सेवा करते हैं। कहते अधम सेवक कौन है, लेकिन गुरुदेव आदेश देने पर भी बस, बोले गुरुदेव आप बोल रहे वहां पर जाओ, अगर जाकर मिले नहीं तो, बोले गुरु जी हैं तरह तरह जो गुरु जी की आदेश में जो तरह तरह का प्रश्न करते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते से बक, पहले से को निकाल दो, क्या रह जाएगा, बक। कहते वो सेवक नहीं, वो बगुला है, वो बगुला सेवक है।
इसलिए श्री बलदेव प्रभु उत्तम सेवक है। उत्तम सेवक होने का नाते बलदेव प्रभु क्या बने, उन्होंने और छोटे नहीं बड़े बन करके आए और जैसे चाहते थे कृष्ण सेवा के लिए, महाप्रभु के सेवा के लिए उन्होंने वैसे ही उन्होंने सेवा की। इसलिए दो अवतार में उन्होंने फिर बड़े बन करके उन्होंने भगवान की सेवा की। इसलिए श्री बलदेव प्रभु कहते इन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने धेनु का सुर को वध किया। हम लोग गए थे तालगंज में, गए थे उन्होंने धेनु का सुर को वध किया। बोले धेनु का सुर क्यों वध किया, कारण किया कृष्ण जैसे पहले पुतना को वध की, पुतना ये अविद्या है, ये पाप है, पुतना जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है, उसी तरह से बलदेव प्रभु भी सर्वप्रथम उन्होंने ये गर्भवासुर को, हम गाली देते हैं ना तो क्या गधा है ना, क्या गाली देते ना गधा, गधे का बच्चा, इसलिए तुम्हें गधे का बच्चा गाली देते हैं ना, इसलिए हमारे अंदर में भी एक गधापन बैठा हुआ है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गर्ध बेर माता रानी पाई पाई दिन भर गधा जैसे संसार के लिए करते हैं। और भागवत में क्या बताए, बोले सभी बराह गोष्ट्र खरई संस्कृत पुरुष पशु ना जल कर्ण पथ पे तो जादो नाम गदाग्रज। जीवन गधा बताए जो ये जीवन पा करके जो भगवान की भक्ति नहीं करते, कानों से कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, उनको चार जानवर बताए हैं सभी बिष्टा खाने वाले ये कौन है, ये सुअर है, कांटा खाने वाले ये ऊंट है, और ये त्रिपद ताड़ी तो ये गधा, ये गधा रूप में उनको गाली देते हैं जो भगवान की भजन नहीं करते हैं। इसलिए हमारे अंदर में भी एक गधापन बैठा हुआ है, लेकिन ये गधापन को अगर कोई नष्ट कर सकता है, कौन नष्ट कर सकते हैं, श्री बलदेव प्रभु ही ये नष्ट कर सकते हैं हमारी गधेपन को। इसलिए सबसे पहले उन्होंने ये गर्धवासुर को उन्होंने वध किया है। इसलिए कहते गुरुदेव उदाहरण देते थे गधे को देखे ना, जिस समय बरसात होता है ना खूब हरी भरी घास होता है, लेकिन जब ये गधा थोड़ी सी दूर घास को खाता है पीछे घूम कर देखता है कितने से कितना दूर तक आए, बोले इतना दूर में पेट भर गया वो दुबला पतला हो जाता है, लेकिन आप देखना बरसात का समय में मोटा हो जाता है। बोले क्यों, घास तो होता ही नहीं, घास खाते खाते मिलो दूर तक चले जाता है, पीछे मोड़ करके देखता है बाबा इतने से इतने दूर तक आ गया है? इतना खा लिया वो मोटा हो जाता है। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं उसी तरह हम भी हमारे अंदर में भी गधापन है। क्या गधापन है, सारा दुनिया की संसार, अरे स्त्री के लिए इतना सेवा किया, अपना बच्चे के लिए इतना सेवा किया, पति के लिए इतना सेवा किया, हम भी गधे जैसे खुल जाते हैं हाँ दुनिया के लिए। लेकिन भगवत भक्ति अगर थोड़ी देर भगवान भक्ति इतना किया इसलिए हम दुबले पतले हो जाते हैं है? इसलिए कहते गुरुदेव उदाहरण देते थे गधे के लिए, कहते गधे में कहते रामचंद्रपुर बड़ी सुंदर कथा सुनाया करते थे, वो सुनाते थे एक समय कोई एक व्यक्ति गधों को लेकर गए, लेकिन जाते समय उन्होंने रस्सी लेना भूल गए, अभी गधे को उन्होंने खड़े करके अभी रस्सी बांधने के लिए भूल जो गए, बोले भैया जहाँ पर ढूंढे, बोले एक संतों को देखे, बोले रस्सी मैंने लाना भूल गया है, आपके पास में रस्सी है, बोले किसके लिए, बोले गधों को बांधने के लिए, बोले रस्सी की क्या जरूरत, अपने आप में बांध दूंगा, बोले वैसे, बोले हाँ वो आए झूठ मूठ का उनको पैर में जैसे रस्सी बांधते ना करके जैसे पेड़ में बांध देते ऐसे करके उन्होंने बांध दिया। लेकिन जब सवेरे हो गया अभी तो गधे जब बोल चलने के लिए, बोले चले ही नहीं, बोले भैया चल क्यों नहीं रहे, खूब पीटे तभी चले नहीं, संतों के पास में गए, बोले बाबा ये गधा चल नहीं रहे, बोले रस्सी खोला कि नहीं, बोले रस्सी बांधा ही कब, रस्सी तो था नहीं, तो अपने आप झूठ मूठ का हाथ भी घुमाया था, बोले यही तो चक्कर है। फिर उन्होंने आए जब झूठ मूठ का हाथ वैसे घुमा दिया ना फिर गधा फिर चलना शुरू कर दिया। देखो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया, कहते वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमल चेतन सहज सुख राशि सो माया बस भय गोसाई बंधिए मरकट की बिना। देखो क्या उन्होंने उदाहरण दिया, कहते जीव कौन है, बोले जीव ईश्वर अंश है, वो जीव ईश्वर का अंश, वो अमल है चेतन है और सहज सुख राशि, लेकिन सुख का ढेर है, लेकिन वो जीव क्या कर रहा है, ये झूठे संसार में बंधा हुआ। बोले कैसे बंधा हुआ,
तो उन्होंने दो उदाहरण दिया है। जैसे जो बंदर को जो पकड़ने वाले वो क्या करते हैं, वो बंदर को दिखा दिखा करके कलसी को गाड़ देते हैं और उसका मुंह इतना बड़ा होता है जितने हाथ अंदर में जा सकता है और उसको दिखा दिखा करके आलू नहीं तो कोई उसको फल डाल देते हैं, इतने बैंगन टमाटर डाल देते हैं। वो बंदर दूर से देखता है, देख करके आए और आकर के हाथ को अंदर में डाले, जब उसको पकड़ लिया हाथ हो जाता है, मुट्ठी बड़ा हो जाता है, निकलना चाहते ना वो निकलता नहीं, लेकिन उसको ऐसे लगता है जैसे अंदर से कोई उसको पकड़ करके रखा, लेकिन अंदर से किसी ने भी नहीं पकड़ा, लेकिन उसको लगता है जैसे पकड़ा। इतने में बंदर को जो पकड़ने वाला आता है, गले में रस्सी बांध करके बस उसको डंडा मार कर बंदर नाचने जाता है। हैं, कीट मतलब तोते, जो तोते को पकड़ते हैं वो ऐसे ऊपर में कोई फल रख करके किसी डंडे को अंदर में जैसे बांस होता है ना ऐसे कुछ रख लेते हैं, जब वो बैठ कर खाने के लिए जाता है झट घूम जाती है और नीचे जब झूल जाता है उसको ऐसे लगता है जैसे मेरा हाथ कोई पकड़ा, लेकिन उसका हाथ किसी ने भी नहीं पकड़ा, वो स्वयं पकड़ कर रखा और इतने में वो बहेलिया आकर पकड़ कर ले जाता फिर पिंजरा में बंद कर देता है। उन्होंने ये दो उदाहरण दे करके समझाए, उसी तरह हमें संसार में कोई भी नहीं पकड़ करके रखे, लेकिन हम क्या सोचते हैं अगर हम संसार में नहीं रहे तो कैसे संसार चलेगा, मैं नहीं रहा तो पत्नी क्या करेगी, बच्चे क्या करेंगे, हमारे बगैर तो संसार चलेगा नहीं। बोले भैया तेरे बगैर संसार नहीं चले, ऐसे नहीं, महाप्रभु जिस समय सन्यास ग्रहण किया, कौन सा समय में सन्यास ग्रहण किया था, ऑलरेडी उनका बड़े भाई साधु बन गए थे और जगन्नाथ मित्र ऑलरेडी अपना धाम में चले गए थे, घर में पूरी मैया कोई घर में है ही नहीं और पत्नी विष्णु प्रिया कम उम्र की, इसी उम्र में उन्होंने छोड़ करके सन्यास लिया। रघुनाथ दास गोस्वामी स्त्री अप्सरिसा इंद्रतुल्य ऐश्वर्य को छोड़कर भजन करने के लिए गए, जब कुत्ता चलता है ना किसी बैल को नीचे लगता है जैसे जो बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रहा है, लेकिन बैलगाड़ी को तो चलता खींचने वाले कौन है, खींचने वाले बैल है, लेकिन कुत्ता क्या सोचता है मेरी वजह से गाड़ी चल रही है। उसी तरह हमें भी ऐसे लगता है भैया हमारा बगैर कुछ होगा ही, हम अगर वृंदावन में भजन करने के लिए जाए फिर तो घर गृहस्थी कैसे चलेगा, भैया अगर तुम छोड़ करके आ जाओगे ना बड़े सुंदर ठाकुर को कृपा से बड़े अच्छे तरह से चलेगा। भगवान खुद कहते हैं जो सब छोड़ करके मेरे चरण में भजन करने के लिए आते हैं, मैंने 36 करोड़ कर्मकांडी ब्राह्मण को मैंने नियुक्त करके रखा इनकी बाकी काम को पूरी करने के लिए, इसलिए श्री बलदेव प्रभु ये गधे पण को श्री बलदेव प्रभु ही खत्म करते हैं। गुरु जी की कठोर वाणी से ही संत इवास छिंदंती मन व्यास संग उक्ति भी, संत लोग गुरुदेव कौन है, बलदेव अखंड गुरुदेव बलदेव प्रभु, उनकी प्रकाश श्री गुरुदेव है, गुरुदेव ही ऐसे वाणी को द्वारा जैसे हमें सारे अनर्थ को खंडन करते हुए हृदय में कृष्ण भक्ति बीज को बलदेव प्रभु गुरु रूप में ही स्थापन करते हैं, इसलिए बलदेव प्रभु यहाँ पर भी उन्होंने द्विविध बंदर को भी वध किया है। द्विविध मतलब होता है रामचंद्र लीला में खूब उन्होंने वध किया राम को, लेकिन लक्ष्मण का प्रति इनकी कोई भक्ति श्रद्धा नहीं की, वही फिर जब चले गए कृष्ण बन करके आए फिर असत संग से उसका बुद्धि दुष्ट हो गई, फिर उन्होंने बलदेव प्रभु को ऊपर में पत्नी को ऊपर में बड़ी गंदी गंदी हरकत कर रहा था, बलदेव प्रभु उसको वध किया। द्विविध मतलब होता है दुई मतलब दो, बीत मतलब होता है जानना, जो गुरु जी को और भगवान को जो अलग समझते हैं, लेकिन तत्व तो गुरु जी और ठाकुर जी अलग नहीं, वो एक ही तत्व है, इसलिए बलदेव प्रभु उसको भी खंडन करते हैं। इसलिए हम लोग श्री बलदेव प्रभु का चरण में आए, बलदेव प्रभु हमारी पर में कृपा करे, सारी अज्ञानता दूर करके हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी ज्ञान को हृदय में गुरुपाद पद्म रूप में हमारे हृदय को प्रकाश करे, तभी भक्ति में हम पढ़ सकते हैं। Bye, Chagall.